यार, आप आपको आ जाओ। मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है कि हम उन्हें नहीं दें जो हमारे जीवन और जीवन की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तीजों, त्योहारों, उत्सवों को मना यही हमारा ध्येय होना चाहिए। प्रशांत मिश्रा गंगा समाधि जी, आज कौन सा पर्व मनाया जा रहा है और किस तरह से पर्व में याद करते हुए नमन करेंगे? देखिए, काशी की बहुत पुरानी परंपरा है कि पूरे कार्तिक महीने में हम अपने पूर्वजों के नाम से आकाशदीप जलाते हैं और गंगा सेवा निधि लगभग 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से आकाशदीप कार्यक्रम का शुरुआत की, जिसमें जो भी हमारे देश में शहीद हुए हैं उनके नाम से उनको याद करके संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप जलाते हैं हम लोग। सर, आज जो बनारस के गंगा घाट पर आकाशदीप के जरिए शहीदों को याद किया जाता है, तो कितना बड़ा मौका है आप लोगों के लिए भी यहाँ शामिल होने का और कितनी खुशी है इसके लिए? एक तरह से श्रद्धांजलि उनको दी जाती है। ये मौका सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए है, स्पेशली बनारस के लोगों के लिए। इस जरिए बनारस को जगाया जाता है अपने शहीदों के प्रति आदर सम्मान करने के लिए। तो ये एक अच्छा परंपरा बनी हुई है यहाँ पर बनारस में। बनारस आज सच बहुत पुरानी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में देश को हमेशा ऊपर माना गया है और देश के साथ उनके प्रहरी आ जाते हैं और इन प्रहरियों में से कुछ शहीद होते हैं। तो ये मौका है जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 7 बार 9 त्यौहार का शहर कहा जाने वाला काशी आज एक और परंपराओं का साक्षी बनने जा रहा है और ये परंपरा है आकाशदीप की। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है और काशी के दशाश्वमेध घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर नियमित गंगा आरती करने वाली जो संस्था है गंगा सेवा निधि, उनकी तरफ से 11 आकाशदीप जलाए जा रहे हैं जो कार्तिक पूर्णिमा तक यानी पूरे एक महीने तक जलाए जाएंगे। इस परंपरा का निर्वहन होता रहेगा। इससे पहले भी राजा महाराजाओं के समय से ऐतिहासिक वक्त से इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है, जिसे आज भी काशी ने सजो कर रखा है और इस परंपरा को संभाले हुई है। गोपाल मिश्र, ETV, वाराणसी।